हेलो और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर टिनटिन ब्लॉग्स में। तो आज की ये जो गाड़ी काफ़ी स्पेशल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा देखना। बीच में मैं इसमें कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा। सो ये जो गाड़ी है ये है ब्राबस, मर्सिडीज़ का आपने जी वैगन जो देखा होगा उसका ये मॉडल है। उसका कलर भी एक नंबर है, आपने थंबनेल में तो वैसे देख ही लिया, बट फिर भी आप वीडियो पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं, हम गाड़ी में आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये गाड़ी आप कहाँ से ले सकते हो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना tintin_vlogs tintin_vlogs पे, वहाँ मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सो देखते हैं ये गाड़ी। सो ये है पैकेट और इसमें से हम निकाल लेते हैं वो गाड़ी, वो काफ़ी अच्छी है मैं फिर से बोलूँगा, और कलेक्शन में आप बिल्कुल ऐड करना है इसको। सो इस टाइप की कुछ पैक होके आई थी तो इसको हम निकाल लेते हैं इस बबल रैप में से भी। काफ़ी सेफ्टी के साथ गाड़ियाँ भेजते हैं लोगों, बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। सो ये रही गाड़ी और देख सकते हो आप कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो ये गाड़ी देख के आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि ये मर्सिडीज़ का मॉडल है, एग्जैक्टली मर्सिडीज़ का ही मॉडल है, बट फिर यहाँ पे लोगो ये बी वाला क्यों लगा है जिसको हम ब्राबस कहते हैं। तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी सी एक इसकी कहानी है वो मैं आपको बीच में बताऊँगा। पहले हम देख लेते हैं गाड़ी का मॉडल कैसा है, क्या लुक है, कैसे क्या इसमें फंक्शंस हैं। तो ये है एक्चुअल लुक इसका पूरा मर्सिडीज़, सही बोला आप लोग ने, सही समझा आप लोग ने, ये है मर्सिडीज़ का जी वैगन का मॉडल। और यहाँ पे इसका लोगो जो ब्राबस का है वो मैं आपको बताऊँगा क्यों है, बट इसकी फ्रंट प्रोफाइल के लिए बात कर लेते हैं। फ्रंट प्रोफाइल का जो ग्रिल आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा है, हेडलाइट्स बहुत प्यारे दिए हैं, जलते भी हैं, और इसके साथ साथ इनमें LED के बल्ब्स हैं, LED लाइट्स हैं, और साथ ही साथ इसका जो नीचे वाला पोर्शन है भी काफ़ी अच्छा है और बहुत हेवी है। गाड़ी मेटल की पूरी गाड़ी है, इसमें ब्लैक कलर आता है, वाइट कलर आता है, मैंने कुछ सोचा था ब्लैक बुलवाऊंगा बट मेरे पास ये कलर मिला तो मैंने इसको लिया ब्लैक, फिर अच्छा हुआ मैंने सोचा कि नहीं लिया मेरे को, बट ये कलर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका। सो इसमें काफ़ी अच्छे ओपनेबल पार्ट्स हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के ओपनेबल पार्ट्स की, जो इसका बोनट है ये बोनट हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो फ्रंट बोनट है हम ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा इंजन का डिज़ाइन दिया है। ये वाला जो बोनट है इसका ये टफनेस है, टफ है थोड़ा सा, बट ये है प्लास्टिक का, ब्लैक कलर का है, ड्यूअल टोन का है और काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो आप इसका होल्ड काफ़ी अच्छा दिया गया, हम कहीं पर भी इसको होल्ड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें साइड की अगर बात करूँ तो साइड में ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे दिए हैं ब्लैक से, रेड जो है इसका मेटेलिक है, ये थोड़ा सा मरून कलर है, हम इसको रेड तो नहीं कह सकते। यहाँ पे वेंट का ऑप्शन दिया गया है, बी टर्बो V8 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ओपनेबल पार्ट्स की अगर साइड की बात करूँ तो फुल डोर इसमें ओपन होते हैं, फ्रंट डोर प्लस पीछे वाले डोर भी इसके पूरे पूरे ओपन होते हैं, जो कि फुल डोर ही ओपन होता है, ठीक। काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें को फुल डोर ओपन होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर भी बहुत डिटेल्ड में दिया है, काफ़ी अच्छा है, पूरा ब्लैक है, सीट एंड ऑल काफ़ी अच्छे से मेंशनड है। इवन ये वाले साइड में यहाँ पे पैसेंजर साइड में इन्होंने हैंड होल्डिंग का भी यहाँ पे दिया है डैशबोर्ड पे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अगर व्हील्स की बात करें तो व्हील्स पूरे ब्लैक है। बात करते हैं इसका नाम ब्राबस क्यों है, ये गाड़ी का मर्सिडीज़ का जी वैगन इसका मॉडल है, बट इसमें ब्राबस का लोगो क्यों दिया है और ब्राबस ही क्यों लिखा हुआ है। तो ब्राबस एक्चुअली ऐसी कंपनी है जो पोर्शे और मर्सिडीज़ की गाड़ियों का ट्यूनिंग करती है, ट्यूनिंग मतलब कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड दैट इज़ लीगल, वो लीगल है एक्चुअल में, सारा कुछ इसमें लीगली वो लोग परफॉर्मेंस देते हैं। तो मर्सिडीज़ और पोर्शे की जो गाड़ी की ट्यूनिंग होती है वो ब्राबस करके देती है। तो ब्राबस ने एक ही डील करी थी कि हम जो आपकी गाड़ियों की ट्यूनिंग करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, उस कस्टमाइजेशन और ट्यूनिंग के बाद जो है हमारा आप लोगों का लोगो हटके हमारा लोगो लगेगा। तो हमने बात करी थी इसके ओपनेबल पार्ट्स की, यहाँ पे साइड पे बैक साइड की आप बात कर लेते हैं, बैक साइड में भी देख सकते हो आप एक्स्ट्रा व्हील है, यहाँ पे ब्राबस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ब्राबस की बैजिंग है। और ये वाला जो इसका गेट है हम इसको ओपन कर सकते हो और काफ़ी टफ दिया हुआ है, ये खुल गया यहाँ पे और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मेंशन भी करी है। सो ओवरऑल जो क्वालिटी है गाड़ी का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी ऊपर देख सकते हो आप कुछ कस्टमाइजेशन इन्होंने किया है, वेंट का हमने देख लिया सामने भी, यहाँ पे भी साइलेंसर आप देख सकते हो दो यहाँ पे दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, प्लस यहाँ पे सनरूफ भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया जो कि काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी है डिटेलिंग और बहुत अच्छी गाड़ी है। यहाँ अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाह सकते हो तो एक ब्लैक कलर और एक येलो कलर और एक वाइट कलर, तीन कलर आते हैं, जो भी आपका फेवरेट है, जिसमें भी आपको अच्छी लगी आप बिल्कुल ख़रीद सकते हो। तो आपको कैसे लगी आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। इसमें लाइट साउंड भी है जो कि थोड़ा सा बच्चों टाइप लगता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। बाकी क्वालिटी वाइज डिटेलिंग वाइज काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये।